हेलो गाइस, मैं हूँ आदर्श शुक्ला। आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की सीरीज़ नंबर है 17 एंड डेट है 16 फरवरी। तो हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो इस सीरीज़ का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जितनी भी मैटरनिटी लीव पे लेडीज़ होती हैं, उनको उनके बच्चे के लिए तथा माताओं को पौष्टिक आहार के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, उसी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को किस जिले ने राष्ट्रीय स्तर पे सर्वश्रेष्ठ काम किया है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। तो इस वर्ष दक्षिण सलमार मनकचर को राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग चेक करते हैं। चलिए, असम के दक्षिण सालमारा मनकाचर जिले में 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार वितरण बैठक में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में ये खेल संपन्न हुआ है, इसमें राखी हलदर जी ने सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए देखिए, इनकी इमेज देख लीजिए आप लोग। ये राखी हलदर जी और ये बंगाल की रहने वाली हैं। बंगाल की राखी हलदर ने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 35वें संस्करण में 64 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण का दावा किया। उन्होंने स्नैच में 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 117 किलोग्राम भार उठाया है। 5 जनवरी 2020 को उन्होंने चंडीगढ़ की हरजिंदर कौर से 10 किलोग्राम अधिक भार उठाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेघालय पुलिस अकादमी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो रीभोई नामक स्थान है, वहाँ पर मेघालय में वहाँ की पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया गया है। चलिए चेक करते हैं इस रिलेटेड फैक्ट को। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने रीनभोई जिले में उमरान में मेघालय पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। अकादमी का पहला चरण 50 करोड़ रुपए के कुल कोष के साथ बनाया गया था, जो 2013 से 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किया गया था। अकादमी का दूसरा चरण 15वें वित्त आयोग से 92 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ शुरू होना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ शुरू हुआ है। 22वां इंटरनेशनल सी फूड कोच्चि में शुरू हुआ है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का 22वां संस्करण केरल के कोच्चि में शुरू हुआ है। सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEAI सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो ये मेन पेज लागू हुआ था भारत सरकार द्वारा 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो 7 से 9 फरवरी 2020 के बीच आयोजित हुआ था। कहाँ पे? कोच्चि के, केरला के कोच्चि में। तो इस साल के सी फूड का जो मेन थीम रखा गया था, विषय वो क्या था? ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्ट टू वैल्यू एडिशन। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं वो KS श्रीनिवास जी हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्चि में ही है। समुद्री उत्पाद विकास निर्यात की स्थापना 1972 में की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। SAI और हॉकी इंडिया द्वारा देश भर में कितने उच्च प्रदर्शन केंद्र शुरू किए गए।
उच्च प्रदर्शन केंद्र के बारे में अभी आप लोग को बताते हैं। तो SAI और हॉकी इंडिया द्वारा देश भर में 7 उच्च प्रदर्शन केंद्र की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा ओलंपिक लेवल के प्लेयर्स तैयार किए जाएंगे। तो चलिए इस रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI और हॉकी इंडिया ने जूनियर और सब जूनियर खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 7 स्थानों पर उच्च स्थापना प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों के मद्देनज़र युवा प्रतिभाओं को तैयार करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हमारा। भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ये सम्मेलन लखनऊ में संपन्न हुआ था हाल ही में। डिफेंस एक्सपो भी कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? ये लो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पे सम्मेलन हुआ और इसमें लगभग कितनी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। चलिए इस रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि लखनऊ में 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन की मेज़बानी की है। भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन में 100 से अधिक रूसी और 200 से अधिक भारतीय उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया है। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 के मौके पर आयोजित किया गया था। भारतीय और रूसी कंपनियों ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय रणनीतिक और वास्तविक तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन को कि कितने दिनों के बाद नासा की क्रिस्टीना कोच हाल ही में अंतरिक्ष से वापस आई हैं। तो ये हाल ही पर पृथ्वी पर कितने दिनों में लौटी हैं? तो इन्होंने 328 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो इनकी इमेज हम लोग चेक करेंगे, ये रही हैं क्रिस्टलिना और इन्होंने 328 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए इनसे रिलेटेड क्वेरी चेक कर लेते हैं। नासा की क्रिस्टीना कोच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार 328 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटती हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन गुजारे, साथ ही उसमें पहली अमेरिकी महिला पेगी वेटन द्वारा 289 दिनों का सिंगल स्पेस फ्लाइट पर रहने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ये जो रिकॉर्ड है महिला द्वारा तोड़ा गया, पुरुषों का रिकॉर्ड लगभग अप्रॉक्स 700 दिनों के आसपास है कुछ। तो नासा की क्रिस्टीना कोच द्वारा 328 दिनों का मैक्सिमम रिकॉर्ड बनाया गया। नासा का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन DC में, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958। तो इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।